थोड़ी बाइक वार्म अप कर ली जाए। इतनी ठंड पड़ रही है, ऊपर से बारिश, और हम मड गार्ड कभी लगाते नहीं है, तो भाई देख रहा हो पानी कितना भर गया है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जो मैंने लास्ट वाली वीडियो डाली है, अभी मैं ट्रिप से आ चुका हूँ, जो मेरे ऑफिस वाली थी, सर रेस्पॉन्स नहीं आएगा ये मुझे पता था, क्योंकि ट्रैवल वगैरह का चैनल नहीं है, ओनली मोटो व्लॉग्स एंड बाइक्स वगैरह का है। ओ यार, आज तो सैटरडे है, मार्केट ही ऑफ है, मुझे याद ही नहीं रहा। और मैं निकला था बाइक के काम से, और रैपिंग वगैरह की शॉप पर जाना था मुझे। बाय द वे, अभी मेरा पीछे का ब्रेक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा कम वर्क कर रहा है। वैसे मैंने अभी जो रिसेंट वाली सर्विस हुई थी मेरी, उसमें मैंने इसको चेंज भी कराया था, बट पता नहीं क्या हो गया, उसको भी मुझे दिखाना था आज, लेकिन क्या करें भाई, मार्केट ही बंद है यार, सैटरडे संडे, तो हमारा क्या होगा। कोरोना ने सबकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, और एक ये बारिश बिना मौसम की, भाई रोड्स इतने गीले हो जाते हैं ना, बाइक के साथ कुछ कर ही नहीं सकते आप, लीन वगैरह तो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इसकी 5 डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, बट मैं पहले इसकी डिसएडवांटेज बताने वाला था आपको। तो इतनी मेजर डिसएडवांटेज नहीं है, उनके साथ आप आराम से मैनेज कर सकते हो। सो सबसे पहली डिसएडवांटेज बताता हूँ इसकी, इसकी जो हैलोजन हेडलैम्प्स हैं और जो नॉर्मल वाले इंडिकेटर्स आते हैं वो, तो भाई अगर 2022 आ चुका है अब आपने देखा होगा एक्सेल हैवी ड्यूटी जैसी, एक्सेल हैवी ड्यूटी में भी भाई आने लगी है एलईडी लाइट, और एक्टिव वगैरह सब में दे दिया एलईडी लाइट, बट इसमें हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं हमको येलो कलर के, तो ये हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ आती है, तो विच इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। वेल, आप अपग्रेड कर सकते हो इनको, आप इसकी इनकी जगह HID या फिर LED लगा सकते हो। लोग तो डोमिनोर की हेडलाइट्स भी लगा रहे हैं इसमें, जो कि फिट तो हो जाती है, वेल डोमिनोर की हेडलाइट्स, तो अपन भी ट्राई करेंगे कुछ, ताकि अच्छा सा लुक हो जाए, थोड़ा इनहेंस हो जाए बाइक। सो इसके अलावा गाइज, इंडिकेटर्स भी इसमें हमको नॉर्मल वाले मिलते हैं, बाकी ये LED वाले तो मैंने अलग से लगवा रखे हैं, और मैं आपको पीछे वाले इंडिकेटर्स दिखाता हूँ मैंने किस तरह लगा रखे हैं। तो पीछे मैंने LED इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, तो कुछ इस तरह लगा रखे हैं मैंने इंडिकेटर्स, तो नाइट में बहुत अच्छी विजिबिलिटी है इनकी, और आप दूर से भी दिख जाता है, मतलब राइट हैंड लेने वाला हूँ मैं, देखो दिख जाता है, मतलब भाई बंदा राइट मुड़ने वाला है क्या, वीडियो बना रहा था मैं, हाँ ना वीडियो बना रहा था। हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की, तो पीछे तो मैंने ये वाले इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, तो ये कौन से वाले इंडिकेटर्स हैं बता देता हूँ, ये मैंने नॉर्मल जो ये वाले इंडिकेटर्स आते हैं वो हैं, उनकी LED निकाली हुई है, तो यहाँ से वायर आ रहा है, तो यहाँ से निकलने का स्पेस है, तो मैंने यहाँ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं अपने, लेफ्ट वाला भी लगाया हुआ है, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, ये देखो, बाकी काफ़ी गंदी हो रही है यार, बारिश का मौसम है, कितनी बार धुलवाएं बाइक को, तो अभी मैंने नहीं धुलवाई, धुलवा लेंगे जब बारिश थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, भाई विंटर्स में भी बारिश आ रही है आजकल, क्या करें। तो अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में, तो वो है इसके वाइब्रेशंस। तो जैसे कि आप 80-90 के अबव जाओगे तो डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन फील होने वाले हैं, तो वाइब्रेशन आपको हैंडल पर एंड थोड़े बहुत सीट्स पर एंड टैंक पर भी थोड़े बहुत फील होने वाले हैं। बेसिकली ये BS4 वर्जन है, BS6 में तो और कम है इसके वाइब्रेशंस। सो गाइज, मैनेजेबल है, इतने ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है वैसे, बट हैं वाइब्रेशन इसमें। सो गाइज, बात कर लेते हैं अब इसकी तीसरी डिसएडवांटेज के बारे में, तो वो है इसकी माइलेज। भाई 200 CC के हिसाब से इसकी माइलेज थोड़ी कम लगी मुझे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चलाते हो, मैं तो ऑल टाइम रफ चलाता हूँ इसको, तो मुझको ये भाई 30 तक का माइलेज दिया हुआ है, मतलब सोचो 200 CC बाइक में 30 से थोड़ी बहुत कम भी दिया हुआ है, एक बार 28 तक का, तो एक बार मैंने मेजर किया था तो उसमें 28 के आसपास आया था, और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल चलाओगे, बिल्कुल इकोनॉमी में चलाओगे इसको, तो आपको ये 35 तक दे सकती है, तो 35 तो मैक्सिमम, भाई उससे ऊपर तो
इम्पॉसिबल है इसको देना 35 से ऊपर तो। सो गाइज अगर आप 200 सीसी ले रहे हो तो माइलेज तो आप शायद ही देखोगे, मैं आपको थोड़ा माइलेज कम मिलेगा। बाकी BS6 में थोड़ा इम्प्रूवड है माइलेज, क्योंकि उसमें FI ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप अब NS200 ले रहे हो तो माइलेज की दिक्कत नहीं आएगी इतनी, बाकी इसमें है। अब बात कर लेते हैं चौथी प्रॉब्लम इसकी जो मुझको लगी, तो वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जैसे कि आप देख सकते हो ये अंडरबेली भाई इतनी ज़्यादा लो है ना, मतलब अगर आप पिलियन के साथ बैठे हो तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई ब्रेकर पे टच होने वाले हो, ये अंडरबेली हमेशा टच होगी। तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। और इसके साथ ही मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा फोर्थ पॉइंट में ही, इसका है वो टर्निंग रेडियस। RN5 का इतना अच्छा टर्निंग रेडियस है ना, मतलब उसका पूरा हैंडल घुमा दोगे तो आराम से बाइक घूम जाएगी। मतलब अब मेरे को यहाँ से बाइक लेनी है ना, अब आप देखना कितना स्पेस लेती है। अब मेरे को यहाँ से यू टर्न लेना है, आप देखना, यू सी डैट, देखो भाई इतने में ये पूरी घूमी है यू टर्न, मतलब दिस इज़ टू मच। अगर आप नॉर्मल रोड देखोगे ये वहाँ कोने में खड़ी थी और अभी आ चुकी है यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए। दिस इज़ टू मच गाइज, ये बहुत ज़्यादा है यू टर्न लेने के लिए। तो इसका रेडियस कम है, अगर आप NS200 चलाते हो तो आपको पता होगा ये बात। अब बात कर लेते हैं पाँचवा डिसअपॉइंटमेंट, तो पाँचवा डिसएडवांटेज जो मुझको लगा इस बाइक में, तो इस बाइक में उतना टॉर्क नहीं है जो आपको सिटी यूज़ के लिए चाहिए। मतलब इसका लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आपको हाई RPM पर रखनी पड़ेगी। अगर आपको टॉर्क चाहिए इसमें, थोड़ा पावर चाहिए बाइक में, तो थोड़ा हाइयर मतलब 7000 के अबव रखनी पड़ेगी आपको अपनी बाइक अगर आपको इसमें पावर चाहिए तो। बाकी बहुत टॉल गियरिंग है इसकी, जो कि नेकेड बाइक्स में नहीं होती है, नेकेड बाइक्स में शॉर्ट गियरिंग होती है। आपने देखा होगा कोई भी नेकेड बाइक उठा के देख लो, कोई भी हायर CC चल जाओ या फिर लोअर CC लाइक MT-15 Apache 200, हालांकि उनकी टॉप स्पीड कम है, इसकी टॉप स्पीड बहुत अच्छी है, बट नेकेड बाइक्स में आई थिंक टॉर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टॉप स्पीड। तो एक टॉर्क की मुझे कमी लगी इसके पिकअप की, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में पिकअप बोलते हैं, भाई पिकअप कम है इसमें। तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो जब अपना स्पॉकेट चेंज कराओ, आप RS वाले स्पॉकेट डाल सकते हो इसमें, तो उसमें वो थोड़ा कंपेयर इसके NS के कंपेयर में बड़ा है थोड़ा, तो उसमें ज़्यादा टूथ है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा आपका। तो पाँचवा डिसएडवांटेज है वो आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब 2000 तक का पूरा सेट आ जाता है, चैन आगे का स्पॉकेट पीछे का स्पॉकेट आ जाते हैं पूरे। सो भाई बाकी तो पूरी परफेक्ट बाइक है, ये सही बता रहा हूँ। ये पांच जो मैंने डिसएडवांटेज बताए होंगे ना इसके बारे में तो बिल्कुल मैटर नहीं करते, बस मुझे एक वीडियो बना दी थी कि ये थिंग्स मुझे पसंद नहीं है अपनी बाइक में, मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता ये जो पॉइंट मैंने बोले हैं ना इन चीज़ों से, मतलब सही बता रहा हूँ गाइस। 200 सीसी में आप आग बन करके NS200 ले सकते हो, कोई डिसएडवांटेज नहीं है इस बाइक का, सही बता रहा हूँ। मतलब डिसएडवांटेज वाली वीडियो में मैंने एडवांटेज बता दिया आपको इसका। एनीवेज तो कुछ र्यूमर्स लोग फैलाते हैं लाइक NS200 में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है, पार्ट्स ख़राब होते रहते हैं, ये वो। जब मैं इसको लेने गया था मेरे पापा ने भी बहुत लोगों से पूछा था इसके बारे में, तो उनका भी ये रिव्यू था कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। बट गाइस 3 साल हो चुके हैं अब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो अगर कुछ भी ख़राब होता है तो आप चेंज करवा सकते हो, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है इसका, बहुत सस्ते पार्ट्स हैं गाइस, सही बता रहा हूँ मैं। यामाहा KTM वगैरह में आप कंपेयर करोगे ना तो बजाज के पार्ट्स बहुत सस्ते हैं। सो गाइस ये थी 5 things आई डोंट लाइक अबाउट माई NS200। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो मेरा पॉइंट आपको गलत लगा हो तो। बाकी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कई लोगों को पसंद नहीं आता, मैंने सुना है, बट आई पर्सनली लव दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है, लाइक इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर कहीं भी नहीं दिखता, तो आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा नीड है उसकी। वेल सारी बाइक्स में होता है, खैर मैं कह सकता हूँ एक ड्रॉबैक है इसका, इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, वो होता तो बेटर होता थोड़ा। मैंने 200 सीसी में इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी जब मैंने फर्स्ट बाइक लेने गया था अपनी, मैंने ले ली थी ये, और ट्रस्ट मी गाइस दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय। भाई ब्लॉगिंग करते करते अपने GoPro की बैटरी हो चुकी है ख़त्म, और इस वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और भाई जल्दी से 50K करवा दो यार, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड बटन। बाय।
हूँ।